हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीकी शीकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मून नाइट एपिसोड 3 के बारे में। मैंने ऑलरेडी मून नाइट एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आके चेकआउट करिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको ईजी तरीके से मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चेकआउट माई ब्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी और पिंड कॉमेंट में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों आज के एपिसोड का टाइटल है द फ्रेंडली टाइप। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि लैला अपना एक नया फेक पासपोर्ट बनवा रही है एंड यही पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो लंदन आई थी मार्क स्पेक्टर या फिर स्टीवन ग्रांट से मिलने के लिए। पिछले एपिसोड में जो हमने देखा तो अब एक काइंड ऑफ एक पास्ट की झलक देखी हम लोगों ने कि कैसे लैला का फेक पासपोर्ट बनता है। एंड लैला यहाँ पे ये भी बताती है कि जो चीजें ऑलरेडी चोरी हो चुकी हैं मैं सिर्फ उनको चुराती हूँ और फिर उनको ब्लैक मार्केट में बेच के अपने जितने बिल्स होते हैं उनको पे करती हूँ, फिर मैं खर्चा चलाती हूँ दिन का। अब प्रेजेंट डे की बात करते हैं। प्रेजेंट डे में हम ये देखते हैं आर्थर हैरो पूरी की पूरी अपनी टीम के साथ पहुंच चुका है कैरो और एमिट का वो तलाश कर लेता है स्कैरब के जरिए और तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्क स्पेक्टर भी कैरो आ चुका है। लेकिन आर्थर हैरो कहते हैं कि मैं पहले से जानता हूँ कि यहाँ पे मार्क स्पेक्टर ऑब्वियसली आ चुका होगा, पर वो इतना ज्यादा खुश है कि उसने फाइनली एमिट को ढूंढ लिया है। आगे हम ये देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर कायरो की छत से कूदते कूदते एक आदमी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाना चाहता था। बेसिकली मार्क स्पेक्टर को ये इन्फॉर्मेशन निकालनी थी कि खुदाई कहाँ चल रही है। खुदाई कहाँ चल रही है से मतलब है कि आर्थर हैरो एमिट ही खुदाई कहाँ कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे मार्क स्पेक्टर पर हमला करते हैं और मार्क स्पेक्टर हर एक गुंडे को बड़े आसानी से धो देते हैं। एंड तभी देखते हैं मार्क स्पेक्टर एक चाकू के जरिए जो मेन गुंडा था उसको मारने वाला होता है, लेकिन उस चाकू की परछाई में उसमें रिफ्लेक्शन में उसको स्टीवन ग्रांट दिखता है एंड सडनली वो अपना आपा खो देता है। जैसे कुछ स्टीवन ग्रांट के साथ होता था जब मार्क स्पेक्टर उसके ऊपर टेक ओवर करता था तो भूल जाता ना इन बिटवीन क्या हुआ। सिमिलरली यहाँ पे ये होता है कि मार्क स्पेक्टर सडनली आप देखता है कि वो एक गाड़ी में कैब में बैठा है और वो एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा है। तो इस बीच बेसिकली स्टीवन ग्रांट ने टेक ओवर कर लिया था। मार्क स्पेक्टर बड़ा कंफ्यूज है, अब वो शायद समझ पा रहे हैं कि स्टीवन ग्रांट को कैसा फील हुआ करता था। मार्क जब उस कैब में बैठा होता है तभी उसको वो दोनों गुंडे दिखते हैं जिनसे वो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था आर्थर हैरो की। अब फिर से एक बार यहाँ पे चेस सीक्वेंस शुरू होता है। मार्क उन दोनों गुंडे के पीछे पहुंचता है एंड एक बार फिर से पकड़ भी लेता है गुंडे को, लेकिन तभी साइड में शीशा होता है एंड स्टीवन ग्रांट कहते हैं कि मार्क ऐसा मत करो। एंड तभी हम फिर से देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर की आंखें एकदम बंद हो जाती हैं एंड वो एक दूसरी जगह पे और उस गुंडे को जिसने अभी पकड़ रखा था मार्क स्पेक्टर ने अब उस गुंडे को मार दिया चाकू के जरिए। मार्क अब कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, उसके हाथ में चाकू था, उस चाकू में उसको स्टीवन की रिफ्लेक्शन दिखती है। वो मार्क उसे पूछता है कि बताओ स्टीवन ने तुमने क्यों किया, तुमने क्यों मारा इन लोगों को। स्टीवन ग्रांट कहता है कि मैंने नहीं मारा इन लोगों को। मार्क स्पेक्टर कंफ्यूज है तो फिर किसने मारा। मार्क स्पेक्टर उन गुंडों में से एक बच्चे वाला गुंडा था, उसको वो खाई की एज पे लेके जाता है और उसे डराता धमकाता है खोंचू कहने में, पूछता है कि बताओ आर्थर हैरो कहाँ है। लेकिन वो बच्चा नहीं बताता और वो खुद नीचे गिर के सुसाइड कर लेता है। लेकिन मरने से पहले वो कहता है प्रेज एमिट, मतलब वो अभी भी इतने ज्यादा एडमेंट है कि वो बताएंगे नहीं कि आर्थर हैरो कहाँ है। वहीं पर फिर आगे खोंचू कहता है मुझे लग रहा था कि वो बच्चा बता देगा कि आर्थर हैरो कहाँ है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। मार्क स्पेक्टर एक बार फिर से पूछा स्टीवन ग्रांट से कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने इन लोगों को नहीं मारा तो डेफिनेटली तुमने मारा होगा। स्टीवन ग्रांट कहते हैं कि मैं तो ऐसा कभी करता ही नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं मारा है। लेकिन मार्क ये कहते हैं कि स्टे आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते में भी कभी फिर से मत आना। मार्क और खोंचू आपस में डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या किया जा सकता है, ये क्यों ना हम देवताओं की सभा बुलाई जाए, वहाँ पर डिस्कस किया जाए। एंड खोंचू बताते हैं कि अगर देवताओं की सभा बुलाई, अगर मीटिंग रखी तो पॉसिबल है कि वो मुझे जेल में भेज देंगे, मुझे चिनवा देंगे, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो याद रखना मार्क मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी वजह से तुम जिंदा रहते हो। आगे खोंचू कहते हैं कि एक आइडिया तो है आर्थर हैरो तक पहुंचने का और वो ये है, वो सडनली कहीं गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मार्क ऊपर सन की तरफ देखता है एंड खोंचू ने यहाँ पे एक्लिप्स कर दिया है और इससे कि पूरी पूरी अब अर्थ पे छांव होने लगती है क्योंकि अब सूरज ढक चुका है मून की वजह से। और खोंचू कहते हैं जितने भी गॉड्स हैं बाकी जितने भी देवता हैं मैं उनका जो ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। वहीं पर हम देखते हैं कि आर्थर हैरो समझ जाता है कि ये सब खोंचू की चाल है और वो कहता है कि अपना काम करते रहो, रुकना नहीं हमको। एंड वहीं पर खोंचू मार्क स्पेक्टर से ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी करो क्योंकि देवता अलग अलग पहुंच रहे हैं, तुमको अपना जल्दी का काम शुरू करना है। आगे हम ये देखते हैं दोस्तों कि खोंचू पिरामिड ऑफ गीजा का रास्ता खोल के मार्क स्पेक्टर को वहां पर भेज देता है इस मीटिंग में जहाँ पे जितने भी गॉड्स होंगे। एंड स्टीवन ग्रांट इस चीज को देख के काफी एक्साइटेड फील करता है, थ्रिल फील करता है। वो एक्साइट इतना है उसको यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर आता। वहीं पे दोस्तों अगर इस सीन में या इस पूरे सिनेमेटोग्राफी अगर देखी जाए
तो बहुत ही ब्यूटीफुल कर रखी है शो में। इसी मीटिंग में अलग अलग एवटार्स मिलते हैं मार्क स्पेक्टर को, जो कि अलग अलग गॉड्स के हैं। जैसे एक एवटार्स को मिलती है वह लव एंड म्यूजिक एवटार, वहीं पे कहे जितने भी एवटार्स होते हैं, जितने भी गॉड्स होते हैं, वो यहाँ पे बोलना शुरू करते हैं कि आज के बाद तुमने कभी भी कुछ ऐसा किया, मतलब अगर तुमने एक्लिप्स किया या फिर नेचर के अगेंस्ट गए, तो हम तुमको स्टोन के अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देंगे। लेकिन खोंचू मार्क स्पेक्टर के जरिए ये बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा किया है, मैं तुम्हारी तरह ह्यूमैनिटी को छोड़ के नहीं चला गया, मैं लास्ट तक हूँ ह्यूमंस की तरह। मार्क स्पेक्टर आगे ये डिमांड करते हैं, कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली खोंचू बोल रहे हैं, खोंचू कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि जजमेंट की जाए आर्थर हैरो या फिर जो अवतार है एमिट के अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ पे वो एमिट को फ्री कर रहे हैं आर्थर हैरो। बाकी सब कहते हैं कि जो तुम यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तभी हम देखते हैं एमिट के अवतार आर्थर हैरो की एंट्री होती है वहीं पे उस मीटिंग में। आर्थर हैरो यहाँ पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है उल्टा खोंचू पे। पहले तो आर्थर हैरो ये कहता है कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं एमिट को ढूंढूं। और एक्चुअली बात ऐसी थी, जब से मैं खोंचू के चुंगल से बाहर निकला हूँ, उसके अवतार से हटा हूँ, तब से वो मेरे पीछे पड़ा है एंड वो खुद एमिट की मूर्ति ढूंढना चाह रहे हैं, वो एमिट के टूम तक जाना चाह रहे हैं, एमिट को फ्री करना चाह रहे हैं, एंड ये सिर्फ झूठ है। एंड क्या आप लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे या फिर आप ऐसे गॉड के ऊपर विश्वास करेंगे जिसको खुद एक बार बैनिश किया गया है, यानी खोंचू को? और खोंचू या फिर मार्क बार बार कहते रहते कि सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्थर हैरो फिर यहाँ पे मार्क स्पेक्टर को भी पोक करता है, वो ये कहते हैं कि जिस अवतार को उसने चूज किया खोंचू ने, ये खुद बीमार है। मार्क स्पेक्टर को बेसिकली बताता है कि इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये खुद से लड़ता है, खुद को गालियां देता है। और मार्क स्पेक्टर ये सब सुनकर गुस्सा होने लगता है, फिर खोंचू गुस्सा होने लगता है एंड वो घूसा मारने जा रहा था आर्थर हैरो को। लेकिन तभी जितने मेंबर्स थे उनमें से एक मार्क स्पेक्टर को रोक लेता है। आर्थर हैरो को फिर से ब्लेम करते हैं खोंचू को, कहते हैं कि मार्क स्पेक्टर एक बड़ा सीधा सा आदमी है, बेसिकली ये इसका सिर्फ फायदा उठा रहा है क्योंकि ये बीमार है या फिर इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एंड तभी जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हमको मार्क स्पेक्टर से बात करनी है। मेंबर्स यहाँ पे मार्क से ये पूछते हैं क्या तुम बीमार हो, ऐसा है वैसा है। मार्क इस बात को एक्सेप्ट तो करते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, पर वो फिर भी ये कहते हैं कि आर्थर हैरो झूठ बोल रहे और इल्ज़ाम इस पर लगे हैं। पर जो पूरी पूरी सभा होती है वो लास्ट में यही कंक्लूड करती है कि ये निर्दोष है, आर्थर हैरो निर्दोष है। एंड हर कोई वहाँ से उठ के चला जाता है और मार्क स्पेक्टर बस वहीं पर बैठा है चुपचाप अकेले। सारे मेंबर्स के जाने से पहले वही जो अवतार थी म्यूजिक एंड लव की, वो मार्क स्पेक्टर की जरा मदद करती हैं, कहती है एक तरीका है एमिट तक पहुंचने का, सेनफू नाम का एक सोल्जर है वो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके पास लोकेशन है उस मकबरे की या फिर टूम की। और आगे फिर ये पता चलता है जो सेनफू है उसका खुद जो ताबूत था वो चोरी हो चुका है ब्लैक मार्केट में, तो यहाँ पे पहले सेनफू को ढूंढना पड़ेगा, सेनफू की मदद से वो पहुंच पाएंगे एमिट तक। मार्क स्पेक्टर एक जूस वाला होता है, उससे सेनफू के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछता है लेकिन वो डर के वहाँ से चले जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे लैला आ जाती है एंड मार्क स्पेक्टर कहते हैं कि तुमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। एंड यहाँ पे जो खतरा है वो एमिट के लोगों से, एमिट के फॉलोअर्स से, या फिर आर्थर हैरो से खतरा नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मार्क स्पेक्टर कहना था कि खोंचू से खतरा है, क्योंकि खोंचू की अगली नज़र लैला पे ही है। लैला बताती है कि मोगार्ट नाम का एक आदमी है जो कि सेनफू के ताबूत तक हमको पहुंचा सकता है। एंड फिर यहाँ पे आपसी मतभेद जो भी चल रहे थे मार्क और लैला के बीच में उन्हें खत्म करते हैं एंड फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लैला और मार्क पहुंचते हैं मोगार्ट के पास और मोगार्ट वहाँ पे कोई हॉर्स वाला गेम सीख रहे हैं एंड मोगार्ट एक बहुत ही रिच पर्सनैलिटी है। इसी के साथ लैला ये भी बताती है मार्क को कि मैंने तुम्हारा यहाँ पे फेक नाम बताया सब लोगों को, रूफिनो, तो किसी को ये मत पता चलने देना कि तुम्हारा रियल नेम मार्क स्पेक्टर है। मार्क स्पेक्टर एक बार सेनफू की ताबूत देखने की डिमांड करता है एंड ये डिमांड मोगार्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है। मार्क स्पेक्टर थोड़ा डिमांड करता है टाइम की, वो चाहता है कि वो सेनफू की कब्र के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। एंड इतने में रिफ्लेक्शन से वो स्टीवन ग्रैंड की मदद लेता है और जानना चाहता है कि इससे, क्योंकि सिंस यहाँ पे स्टीवन ग्रैंड एक म्यूजियम में काम किया करता था, इजिप्शियन म्यूजियम में, तो उसको पुरानी लैंग्वेजेस पढ़ना आता था, वो जानता था कि कैसे ताबूत वगैरह काम करते हैं, क्या नॉलेज होती है। और जब स्टीवन ग्रैंड की हेल्प ले रहा होता है तो वहाँ पे कुछ कपड़े रखे होते हैं उस ताबूत के, उस बेसिकली जो मम्मी है उसके ऊपर कुछ कपड़े रखे हैं। स्टीवन ग्रैंड यहाँ पे कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देता मार्क को कि तुम ऐसा करो वैसा करो एंड जब उन कपड़ों को टच कर रहा था तभी यहाँ से पीछे से मार्गट के लोग आ जाते हैं और उसके ऊपर गोली तान देते हैं। अब आगे होता ये कि मोगार्ड को तो पूरा शक हो जाएगा मार्क स्पेक्टर पे, ये सब इन पे, लेकिन इतने में होता ये है कि आर्थर हैरो भी पीछे से आ जाता है। आर्थर हैरो कहते हैं कि मैं तुमको बेटर चीज़ें दूंगा, बेसिकली यहाँ पे वो स्कैरब दिखाता है, कहता है कि मैं तुमको खजाने तक लेके जाऊँगा। और यहाँ पे इतने में लैला समझाने की कोशिश करती मोगार्ड को कि इसकी बातों में मत आना, ये तुमको फंसा देगा, ये गलत कर रहा है, हम यहाँ पे लोगों की जान बचाने जा रहे हैं। आर्थर हैरो यहाँ पे मोगार्ड को ब्रेन वॉश करना शुरू करता है, कहता है कि मैं तुमको पावर्स दूंगा, मैं तुमको अपनी छड़ी का इस्तेमाल सिखाना शुरू करूंगा। लेकिन इतने में खोंचू कहता है
समंदर सूट, मून नाइट बनो। एंड मार्क स्पेक्टर यहाँ पे तैयारी शुरू करता है मून नाइट बनने की। आर्थर एरो यहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ता है मोगार्ड के सामने, एंड फिर वो सेंफू की जो कब्र थी उसको डिस्ट्रॉय करके वहां से जाने लगता है। और कॉन्चू बार बार ये कहते रहे मार्क स्पेक्टर से, तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, समन द सूट। और तभी फाइनली फिर मार्क स्पेक्टर मून नाइट बन के आता है और आर्थर हैरो के जितने भी फॉलोअर्स बचे थे उनसे लड़ता है, प्लस मोगार्ड के जितने लोग थे उनसे लड़ता है। एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा फाइट सीक्वेंस हमको देखने मिलता है। और इतने में लैला उस सेंफू की जो कब्र थी उसे थोड़ा सामान लेती है अपने पास, एंड जो बैक उसका बॉडी गार्ड था मोगार्ड का उससे भी फाइट करती है। मून नाइट यहाँ पे सारे के सारे गुंडों को पीट रहा होता है, लेकिन तभी स्टीवन ग्रांट अंदर से बोलते रहता है कि मेरे को बॉडी दे दो, मेरे को बॉडी दे दो, और लोगों को मत मारो। एंड सडनली हम तभी देखते हैं कि मून नाइट यहाँ पे बन जाता है मिस्टर नाइट, और स्टीवन ग्रांट ने बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। मिस्टर नाइट यहाँ पे सबको समझाना शुरू करते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ पे मार झाड़ की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर नाइट के अंदर बहुत सारे भाले गाड़ दिए हैं, और यहाँ पे मिस्टर नाइट या स्टीवन ग्रांट डर जाता है, तो वापस यहाँ पे मार्क स्पेक्टर से कहते हैं कि वापस बॉडी ले लो, वापस मून नाइट बन जाओ। एनी वो फिर से मून नाइट बन के वापस गुंडों से लड़ना शुरू करता है। और ऑन दी अदर हैंड लैला भी बैक से लड़ रही है। इतने में मोगार्ड जब बैक को हराती है उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर और हमला होता है। एंड मून नाइट भी खुद घायल हो गया था, उसके ऊपर बहुत सारे भाले मार दिए गए थे। लेकिन जैसे वो देखते हैं कि उसकी वाइफ लैला पे हमला कर दिया गया, तभी वो उसके अंदर बहुत गुस्सा आता है, जितने गुंडे थे उनको खत्म करते हैं। एंड साथ जाते हैं फिर मोगार्ड को भी रोक के अपनी वाइफ को बचा लेता है। मार्क और लैला गाड़ी में बैठ के आगे जा रहे होते हैं। एंड लैला यहाँ पे बार बार मार्क से पूछती है कि क्या तुम उसे कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आर्थर हैरो ने कुछ ऐसा कहा था कि वो तुमने मुझसे कुछ सच छुपाया है। लेकिन बार बार मार्क ये कहते रहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वरना मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। मार्क और लैला उन्हीं कपड़ों को उठा के मैप बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन निकलती नहीं है। एंड बस एकलौता रास्ता यही है जो कि लैला कहती है कि हम तुमको स्टीवन को बॉडी देनी पड़ेगी, स्टीवन ही हेल्प कर सकता है। कॉन्चू ऊपर से ये कहते हैं कि अगर तुमने इस बार स्टीवन को बॉडी दी तो वो तुमको वापस मार्क नहीं बनने देगा। मार्क यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। मार्क मजबूरन अपनी बॉडी को सरेंडर करता है स्टीवन के हाथ में, और स्टीवन जैसे ही वापस बॉडी में आता है वो पूरा का पूरा जो उनका मैप था उसको बना के दे देता है। एंड लैला इस चीज को देख के काफी खुश होती है एंड इम्प्रेस्ड फील करती है स्टीवन से। लैला उस मैप को स्कैन करना शुरू करती है, तो स्टीवन बताता है कि एक्चुअली सेंफू ने जब इस मैप को बनाया था वो 2000 साल पहले की बात थी, एंड स्टार्स वगैरह जितने भी कॉन्स्टेलेशन है ये विद टाइम अलग अलग होते रहते हैं, हमको उस रात का वेट करना पड़ेगा। एंड वो कौन सी रात थी, उस टाइम पे कैसा वेदर था, कैसे स्टार्स की पोजीशन थी, उसके हिसाब से इस मैप के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट्स जान पाएंगे। लेकिन तब यहाँ पर खोंचू कहते हैं मुझे वो रात याद है, मुझे हर रात याद है। खोंचू कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस रात को वापस लेके आने में, लेकिन मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेसिकली खोंचू जो भी करने जा रहे हैं वो रूल्स के अगेंस्ट है, एंड देवता उसको पकड़ लेंगे। तो खोंचू कहते हैं मैं उस रात को वापस लेके आ जाता हूँ, लेकिन उसमें तुम मेरी मदद करोगे स्टीवन, और स्टीवन इतने मिस्टर नाइट बन जाते हैं। उसके बाद खोंचू ये भी कहते हैं कि जब देवता मुझे पकड़ लेंगे जेल में तो मार्क से कहना कि मुझे छुड़ाने के लिए लेके आएगा। और उसके बाद फिर वो दोनों साथ मिलके उस रात को सामने लेके आते हैं, एंड पूरा वर्ल्ड नोटिस करो तो ये क्या हो रहा है सडनली स्पेस में। एंड फाइनली वो रात बाहर आ जाती है जिस रात सेंफू ने उस मैप को बनाया था। और इसी प्रोसेस के बीच में हम देखते हैं कि जितने भी देवता थे वो खोंचू को कैद कर लेते हैं, एंड जितनी भी पावर्स थी मिस्टर नाइट की या फिर जो स्टीवन ग्रांट के पास आई थी वो सारी जाने लगती है, एंड वो कमजोर होकर बेहोश होकर गिर जाता है। आर्थर हैरो से जो बाकी देवता थे वो ये कहते हैं कि आर्थर तुम सही कह रहे थे और हमने खोंचू को कैद कर लिया है। एपिसोड का एंड होता है कि आर्थर हैरो खोंचू की जो छोटी सी मूर्ति थी जिसमें वो कैद है उससे कहते हैं कि जब एक्चुअली तुम्हारा अवतार था तो मुझे लोगों पे जुल्म करने में बड़ा मजा आता था, एंड याद रखना अगर तुम मुझे ऐसे परेशान नहीं करते तो मैं कभी रियल लाइफ क्या होता है, हील क्या होता है, पीस क्या होता है, मैं जान नहीं पाता। एंड एक टाइम आएगा जब मैं ऐसा करूंगा और मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड जो भी मैं कुछ करने जा रहा हूँ आगे, बेसिकली एमिट को फ्री करके जो भी लोगों को मारेगा, जो और पावरफुल हो जाएगा, इसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खोंचू तुम ही जिम्मेदार हो। एंड यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस एपिसोड से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज कॉमेंट्स में बताइए। एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे एपिसोड से। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेस चेकआउट जरूर करिए। दोनों चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी और पिंड कॉमेंट में भी है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।
You wanna be my vision, girl.